आज लोधी समाज के प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे आपके अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान हमारी बड़ी बहन पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना वर्मा जी, हमारी माता के समान श्रीमती रेखा वर्मा जी, हमारे बड़े भाई विधायक श्री चंद्रप्रकाश लोधी जी, हमारे भाई विधायक श्री राहुल लोधी जी, पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा जी और हमारे मौजूद सबको प्रणाम देने वाले बाबूजी मानपाल सिंह जी एवं सम्मानित मंच, सम्मानित सभी मेरे लोधी समाज के सहयोगताओं, मैं निवेदन करूंगा सभी लोधी समाज के कार्यकर्ता नेताओं से कि मेरे सम्मानित साथियों, यह भारतीय जनता पार्टी के नेता जब बाबूजी कल्याण सिंह जी के सगेरे हुए तो हमारे और आपके क्या सगे हुए। आपको ज्ञात होगा कि बाबूजी कल्याण सिंह जी कपड़े पहनकर तैयार होकर लखनऊ में बैठे रहे, लेकिन मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, मोहन भागवत जी ने उनको अयोध्या नहीं जाने दिया। बताइए कि हमको मालूम है, आपको मालूम है कि मंदिर किसकी वजह से बना, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी उसको क्या मालूम है। जब हम मंदिर पर दर्शन करने जाएंगे, लोग हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब तो उस शिलान्यास पर जो नाम पड़े होंगे वो कहेंगे केनरा मंदिर बनवाया, बताइए हमें नहीं। तो मेरे सम्मानित साथियों, और आज के जो आयोजन के मैं उनसे निवेदन करूंगा भैया, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भोगाव विधानसभा से हमारे बहुत ही सम्मानित व्यक्ति श्री अभिलाष सिंह राजपूत जी का स्वागत करें। भैया कहा है समाज का सम्मान बचा है। आज अगर हमारे विधायक जी हमारा सम्मान बचा है तो श्री अभिलाष सिंह लोधी जी में से बचा है, बताइए है कि नहीं। जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई, बहुत बहुत स्वागत सुंदर। मेरे सम्मानित साथियों, आपकी सबकी मेहनत, हमारी मेहनत और इनका पूरा त्याग, आज अगर हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि लोधी समाज ने वोट दिया है तो भाई बड़े भाई अभिलाष सिंह लोधी जी वैसे करते हैं। तो मेरे सम्मानित साथियों, बोलने के तो बहुत कुछ है, हमारे सभी बड़े वक्ता बैठे हैं और मैं आपसे दोबारा निवेदन कर रहा हूं कि मेरे सम्मानित साथियों, ये भाजपा के गुंडे, ये भाजपा के नेता, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये बंदर घुड़की देते हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप धाड़ मार दोगे तो ये बहुत दूर निकलेंगे। और बोलने के लिए तो बहुत हमारे पास